बाबा साहब के घर में 5 संतानें पैदा हुई। पहली संतान कब दुनिया से विदा हुई? जब वो पीएचडी कर चुके थे, जब वो बैरिस्टर बन चुके थे, जब वो सयाजी गायकवाड़ के कार्यालय में फाइनेंस सेक्रेटरी बन चुके थे। मुझे नहीं लगता कि पहली नौकरी, इतनी बड़ी नौकरी हमें से किसी को मिली हो केवल स्वाभिमान के लिए। अपमान को स्वीकार नहीं किया इसलिए उस पद को ठुकरा दिया। भले ये एग्रीमेंट था 10 वर्ष नौकरी करनी थी, लेकिन कहा मैं ज्ञान को लेने के बाद भी, विद्वान होने के बाद भी केवल आजीविका के लिए अपमान को सहता रहूं मंजूर नहीं है। फिर दोबारा गए क्योंकि जिस समस्या का समाधान करना था, करोड़ों लोगों को गुलामी से बाहर निकालना था, इतना बड़ा काम थोड़े से ज्ञान से नहीं हो सकता था। हम बाबा साहब की डिग्रियां गिन रहे हैं, एमए कहां की, पीएचडी कहां की, डीएससी कहां की, बारहटला कैसे ली, लेकिन बाबा साहब उस शस्त्र की धार को तराश रहे थे कि मुझे समाज की गुलामी की बेड़ियों को काटना है, हमें दरिद्रता की पहचान को नष्ट करना है, असंगठित जातियों में बटे हुए समाज को एक स्वरूप देना है। और जब बाबा साहब दोबारा लौट करके आए, हमारी गुलामी की बेड़ियों को काटने के शस्त्र को लेकर के आए, तो 2 संस्थानें दुनिया से विदा हो चुकी थी। विदेश पढ़ने की कीमत के रूप में बाबा साहब ने 2 संस्थानों को दिया, खो दिया। फिर लौट करके आए तो इस देश में सबसे बड़े विद्वान थे, बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी दी। लिफाफा खोला और पढ़ा, वापस बंद कर दिया। मास्टर कृष्ण केलुस्कर लेकर के आए थे उस पत्र को, लिफाफे में डाला और कहा कि मास्टर जी, बड़ौदा के महाराज को मेरा धन्यवाद देना, उन्होंने मुझे इस लायक समझा, लेकिन मैं नौकरी स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है। अगर मैंने गले में डाल लिया तो जो संकल्प मैंने लिया है उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैंने जो संकल्प लिया मुझे वो पूरा करना है। समस्या आजीविका की थी, समस्या बीमारी से लड़ने की थी, समस्या परिवार को संभालने की थी, लेकिन लक्ष्य समाज की गुलामी की बेड़ियों को काटने का था, लक्ष्य समाज को सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने का था, लक्ष्य पशुओं का से बदतर जीवन जीने वाले लोगों को श्रेष्ठ जीवन देने का था। कोई समझौता नहीं किया। हमारी तो ट्रांसफर भी हो जाती है तो भी महत्व मनाते हैं कि मेरी गाजियाबाद में पोस्टिंग थी, अब मेरठ में हो गई, 1 घंटा फालतू लगता है। और बाबा साहब ने जब हमारी गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम शुरू किया तो अपने एक बेटे का जीवन नहीं बचा सके। और जीवन बचाने की बात तो बहुत दूर, उसके पार्थिव शरीर को 1 मीटर कपड़ा खरीद करके नहीं उड़ा सके। माता रमा ने साड़ी का पल्लू फाड़ा और बेटे को लपेटा। जिस महापुरुष की जयंती पर हम नाच गीत गाना करते हैं, हम नाचते हैं, आनंदित होते हैं, उस कफन की कीमत केवल मां रमा बता सकती है। आज जो हम नाच पा रहे हैं उसमें बाबा साहब की सारी भावनाएं दफन है, माता रमा की ममता दफन है। इधर बाबा साहब फिर हमारी गुलामी की बेड़ियां काटने लगे और बेटा राजरतन दुनिया से विदा हो गया। फिर भी नहीं रुके, गुलामी की बेड़ियां काटने लगे, लेकिन अपनी जीवन संगनी रमा का जीवन नहीं बचा सके। 35 वर्ष की उम्र में माता रमा भी विदा हो गई। बाबा साहब भी योद्धा बनकर के खड़े रहे।
इतना ज्ञान लेने के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति जिन्हें आज सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, अपने ज्ञान से अपने परिवार को नहीं बचा सके, लेकिन मेरा जीवन बचाया, आपका बचाया, हम सबका बचाया। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था और मुझे इतनी बड़ी विरासत का वारिस बना दिया। जब मैं पुरखों की विरासत को देखता हूं तो क्या था हमारे पास? जिस मकान में हमारा जन्म हुआ, जिस घर में बैठ के हम पढ़ते थे, आज हम कहते बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, घर में पंखे नहीं थे, स्कूल में पंखे नहीं थे, उस समय गर्मी का एहसास नहीं था क्योंकि संघर्ष जीवन का था। आज जीवन का संघर्ष खत्म हो गया तो सर्दी गर्मी से लड़ने लगे हैं, गर्मी से मुकाबला करने के लिए हथियार ढूंढने लगे हैं, लेकिन क्या हमारी लड़ाई इतनी जल्दी बदलने वाली थी? बाबा साहब ने हम सबके पैदा होने से पहले ही हमारे जीवन के सारे मार्ग प्रशस्त कर दिए। आज हम थोड़ी थोड़ी चीज लेकर के बैठ गए, मैं अधिकारी, मेरा बड़ा मकान, मेरा बेटा विदेश पढ़ता है, मेरा बेटा ये अधिकारी बन गया है, लेकिन हमारे पास मानसिक दरिद्रता है, इसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया। अधिकारी बनने के बाद अधिकार विहीन जीवन जी रहे हैं, इसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। वोट का अधिकार तो मिल गया लेकिन शासन करने की इच्छा शक्ति आज भी पैदा नहीं हो पा रही, क्योंकि बाबा साहब की दूसरी बात को हमने नहीं माना। हम जातियों में बटे हुए लोग थे, बाबा साहब ने हमें संगठित होने के लिए कहा, हम संगठित तो नहीं हो पाए, बस संगठन बना बना करके दीवारें मजबूत कर ली। ये मेरा संगठन, ये मेरा संगठन, ये मेरा संगठन, और मैं बता रहा हूं, मेरी बात को याद रखना, संगठित होना था, संगठन बनाने लगे, ये महामारी है, ये महामारी है। हमें संगठन नहीं बनाने थे, हमें समाज को संगठित करना था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। बिना शिक्षा के एजिटेट नहीं हुआ जा सकता, हमने शिक्षा तो ले ली नौकरी लेने के लिए, लेकिन जीवन को रूपांतरित करने का साहस नहीं जुटा पाए क्योंकि एजिटेट शुरू नहीं हुआ। अगर एजिटेट हो जाते तो ऑर्गेनाइज होते। हम बिना एजिटेट हुए, बिना आंदोलित हुए, संगठन बनाने की सोचने लगे और संगठन ही बना लिए। बाबा साहब ने कहा लो एम इज ए क्राइम, हर संगठन करता अपराधी है, समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का। बाबा साहब के दुनिया से विदा होने के 68 वर्ष के बाद भी हम समाज को संगठित करने की बात तक नहीं कर पाए, केवल संगठनों में उलझ करके रह गए। क्या यह अपराध नहीं है? अगर बाबा साहब का आदेश 1956 में मान लिया होता, हमारे पुरखे मान गए होते, तो आज हम कोई दूसरी और कोई तीसरी पीढ़ी के बौद्ध होते। आज हम दूसरी और तीसरी पीढ़ी के बौद्ध होते, लेकिन आज भी अजीब बात, मैं तो धन्य समझता हूं अपने आप को कि मुझ पर बाबा साहब की कैसी अनुकंपा हुई। पढ़ाई तो मैंने पशुओं की इलाज करने की थी। साहब कांशीराम ने पूछा कि कभी दो पैर वालों का इलाज भी करोगे? मैं नहीं समझ सकता था, पढ़ाई चार पैर वालों की कर रहे, दो पैर वालों का इलाज कैसे करेंगे? और मैं तो ये समझता हूं कि साहब कांशीराम जी की प्रेरणा थी, सामाजिक बीमारियों का समझ में ही अब आने लगी है। ये सामाजिक बीमारियां एमबीबीएस डॉक्टर के समझ में नहीं आएंगी, मच्छर के काटने के इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन जाति के काटने का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। वो इलाज तो बाबा साहब बता के गए थे, बस मैं तो दवा की पुड़िया बना करके खाने के लिए कह रहा हूं। दवा तो बाबा साहब बना गए थे, बस मैं तो खाने की बात कर रहा हूं। और ये बात इतनी महत्वपूर्ण है, इस सदी का यह सबसे बड़ा आंदोलन हो सकता है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, मैंने यहीं बैठ करके आपसे बात करने के लिए सोचा।